आज हम पोहा यूज करके मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट इडली बनाएंगे। पोहा इडली आप इंस्टेंटली बना सकते हो, ना कोई भिगोना ना पीसना, झटपट से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पोहा इडली। पोहा वेजिटेबल इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप पोहा लिया है और एक कप मैंने सूजी ली है। तो मैं जो मेजरमेंट के कप होते हैं उस मेजरमेंट से मैंने लिया है। आप अपने घर की कोई भी एक बड़े साइज की कटोरी ले सकते हो, तो आपने इक्वली दोनों लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोहा को थोड़ा सा हम दरदरा पीस लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है और ये जो पोहा हमने लिया है ना, आप बारीक मोटा कोई भी पोहा इसके लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, इसे डाल दिया है मिक्सर के जार में और इसका हम महीन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसे हम थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। तो चलिए मैं इसे पहले पीस लेती हूँ। आप देख सकते हो पोहे को मैंने पीस लिया है और इस तरह से ये देखिए दरदरा है बहुत, इसे मैंने बारीक नहीं किया है। तो इसे मैं एक बाउल में डाल देती हूँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये डिप हो जाए और 5 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से डिप करके रख देते हैं। पोहे को भिगो के यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पूरी तरह से फूल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा मैं यहाँ पर बाउल ले लेती हूँ, इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेनर रख देती हूँ और ये सारा पोहा जो हमने भिगोया है हम इसमें डालते हैं। हमने पोहे को वॉश कर लेना है, थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके ऊपर और इसे हम थोड़ा वॉश कर लेते हैं। पोहा जो है बहुत अच्छे से वॉश हो चुका है और सारा पानी जो इसका है वो नीचे आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे अलग से एक दूसरे बाउल में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारा पोहा हम ले लेते हैं, थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया तब भी चलेगा क्योंकि अब तो हम इसे इडली का बैटर ही बनाने वाले हैं। एक कप मैंने यहाँ पर सूजी की ली है, आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी यूज कर सकते हो। तो हम ये सूजी भी क्या करते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक कप दही जो है उसे अच्छे से फेंट के रखा है, तो ये दही भी हम इसमें डाल देते हैं और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो तीनों चीजों को हमने मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो सूजी भी जो है पानी सोख करती है और पोहा भी पानी सोख करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक कप मेजर करके पानी का ले लिया है। तो पहले मैं थोड़ा पानी डालती हूँ इसमें और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। मुझे अभी भी ये थोड़ा सा घना लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करती हूँ और बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। यानी एक कप में से मेरा इतना सा पानी बच गया है। बट ये भी फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपकी सूजी की क्वालिटी कैसी है, आपकी पोहे की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि कोई चीज जो है वो ज्यादा सोक करती है और कोई कम सोक करती है। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1/4 कप पानी का ऐड कर दिया है और इसे अब हम रेस्ट के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। और तब तक हम क्या करते हैं, इसमें डालने के लिए हमने वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं तो उन्हें हम थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। गैस को ऑन कर दिया है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के, थोड़ी सी हम इसमें डालते हैं हींग, 1 चम्मच मैं इसमें सरसों डाल रही हूँ, राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैं यहाँ पर उड़द की दाल डाल रही हूँ। उड़द की दाल जो है इस इडली में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेम को जो है थोड़ा सा लो कर देंगे और यहाँ पर साथ ही में मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ चने की दाल। हमने इन दोनों दालों को थोड़ा सा भून लेना है, तो अगर हम आंच को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी से ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से ये रोस्ट नहीं होगी। तो मैं इसे मीडियम आंच पे पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। इसे 3 से 4 मिनट तक मैंने रोस्ट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा दाल का कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता। तो मैंने यहाँ पर कुछ कड़ी पत्तों को इस तरह से बारीक काट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज जो है उसे बारीक चॉप कर लिया है, ये भी हम ऐड करते हैं। साथ ही में हमने यहाँ पर गाजर को भी बारीक चॉप करके रखा है। तो ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। सब्जी की क्वांटिटी फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से और आपको जो सब्जियां पसंद है जो इसमें डाल सकते हैं आप डाल सकते हो, जैसे कि आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हो, आप इसमें मटर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर साथ में शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ये भी मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। तो ये सारी सब्जियों को हम हल्का हल्का सॉटे कर लेंगे, हम इन्हें पूरी तरह से कुक नहीं करेंगे क्योंकि इडली जो है हम स्टीम करके बनाएंगे और स्टीम करने से भी ये थोड़ी सी और कुक हो जाएंगी। तो हम हल्का सा इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ सॉटे कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, सारी सब्जियों को हमने सॉटे कर लिया है। तो गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही हमने जो बैटर बना के रखा है पोहा और सूजी का उसमें डालेंगे।
तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल प्रॉपर है, हमें जैसे चाहिए होती है इडली के लिए वैसे ही है। तो अब हमने क्या करना है, इस बैटर को हम अच्छी तरह से हैंड विस्कर से थोड़ी देर के लिए विस्क कर लेंगे, यानी 5 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से विस्क करना है। नॉर्मली जो सूजी की इडली होती है वो एक बार आप बना लो और गरम गरम खा लो, अगर आप उसे रख देते हो ना तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, अगर बीच में हमने पोहा डाला है तो ये इडली जो है बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बाद में भी आप जब भी इसे खाओगे ये सॉफ्ट ही रहेगी। 5 मिनट हो चुके हैं इसे फेंटते हुए, हमारा इडली का जो बैटर है बहुत ही अच्छा स्मूथ हो चुका है। तो चलिए हमारी जो सब्जी हमने सॉटे करके रखी थी वो भी हो चुकी है ठंडी, तो वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा यहाँ पर बैटर बन चुका है। हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला है तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं, नमक को भी मिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली अब इसमें हम इनो का एक पाउच डाल रहे हैं, इसमें 1 टीस्पून होता है 5 ग्राम के बराबर, तो हम पूरा पाउच इसमें डालेंगे। और साथ ही में मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालूंगी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और इसे हमने फटाफट से मिक्स कर लेना है। और ये प्रोसीजर जो है आपने फास्ट करना है फ्रेंड्स, आपने पहले ही इडली पॉट की तैयारी करके रखनी है ताकि आप जल्दी से इनो डालने के बाद इसे स्टीम करने के लिए रख दीजिए। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने इनो डाला है हमारा बैटर जो है वो और ज्यादा हल्का हो चुका है। तो चलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इडली के जो बर्तन होते हैं उसे मैंने अच्छे से ग्रीस करके ऑयल लगा के रख लिया है, इडली पॉट भी मैंने जो है रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, जल्दी से भरते हैं इसमें इडली का बैटर और रखते हैं इडली को बनने के लिए। सारे सांचों में मैं बैटर डाल देती हूँ इडली का। दोस्तों मैंने यहाँ पर इडली पॉट पहले ही चढ़ा दिया था गैस पे, आप देख सकते हो पानी बॉईल ही होने वाला है, बीच में मैंने एक नींबू का स्लाइस डाल दिया है। ये डालने का कारण ये है कि ये डालने से जो है बर्तन काला नहीं होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक अपने सांचे को रख देते हैं इसमें स्टीम होने के लिए। तो इस तरह से मैंने सारे इडली के सांचे रख दिए हैं, इसे मैं कवर कर देती हूँ और इसे बनने के लिए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट तक तो आपने इसे बिल्कुल ओपन नहीं करना है, 10 मिनट के बाद आप चेक करना चाहो तो इसे कर सकते हो चेक। तो चलिए वेट करते हैं इडली के बनने का। दोस्तों यहाँ पर इडली को बनते हुए 12-13 मिनट हो चुके हैं, मैंने 10 मिनट बाद इसे एक बार चेक कर लिया था तो थोड़ा सा ये बाकी था। तो अब मैं क्या करती हूँ, फ्लेम को थोड़ा धीरे कर लेती हूँ और इसे हम खोल के देख लेते हैं एक बार कि ये बना है कि नहीं। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि बन चुका है, फिर भी हम क्या करते हैं टूथपिक डाल के देखते हैं। और ये देखिए टूथपिक जो है बिल्कुल क्लियर आया है, तो हमारी इडली यहाँ पर बन चुकी है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, इसे बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। कभी भी आपने इडली, नॉर्मल इडली भी है ना, तो उसे गरम गरम निकालने की कोशिश नहीं करनी है, अगर आप इसे गरम निकालोगे तो वो टूट के निकलेगी। तो आराम से इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही इसे आप इसमें से निकालिए। यहाँ पर हमारी इडली जो है थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो साइड्स को हम पूरी तरह से इस तरह से पहले उसे छुड़ा लेंगे पॉट के साथ से, और इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी यहाँ पर इडली तैयार हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी इडलियों को पहले इसी तरह से निकाल लेती हूँ। हमारी पोहा इडली जो है बनके तैयार हो गई है, इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट की चटनी बनाई है। दोस्तों अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हो तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ कोकोनट चटनी की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हो हमारी इडली जो है बहुत ही सॉफ्ट बनी है और ये काफी टाइम तक इसी तरह से सॉफ्ट बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज आप सबसे पहले देख सके। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।